हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच टाइप ऑफ चार्ट कैन रिप्रेजेंट ओनली वन डेटा सीरीज. पाई चार्ट. In which type of chart values are organized horizontally on x-axis? Bar chart. These are the horizontal and vertical lines in plotting grid lines. Data series. Grid line. Who said data series? Data series are the plotted values. Okay. Which component of chart represent the set of values you data want to series. Plot? Data series. This is data series. Okay. Identify the following type of chart. Net chart. Okay. Tick the tabs available in format cells dialog box. Ma'am, number, border. Numbers, borders, numbers, border, background. Borders, background. One by one. Arzu. Ma'am, background. Background. Or koi? Ma'am, number. Font. Four was there. Number, border, font, background. These four tabs are available in format cells dialog box. Yes, Sahil? Tick the types of horizontal alignment available in Calci. Indent. Right. Default. Center. हॉरिजॉन्टल है तो सेंटर आएगा, वर्टिकल होता तो मिडल होता, फिर टॉप होता, मिडल होता, डिफॉल्ट होता. ठीक है. विच मेन्यू कमांड इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स? फॉर्मेट सेल्स. चार्ट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन विच टूलबार? Which of the following option is not available? Sort ascending. Correct. Anji, still I had watched the numbers. आपके numbers marks मैंने देखे हैं. कुछ बच्चों के 9, 8, 5 भी आए हैं. हाँ जी, 9. लक्ष्य, आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? नित्या got only 5. सिमरन के 5. Why? JT, आपके लिए क्वेश्चन गलत है. मेरा 7th गलत हुआ था. आपका 7th क्वेश्चन गलत हुआ था. 7th क्वेश्चन मेरा वो इंटेंट वाला गलत हुआ था. ये वाला हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैम, यस इंडेंट तो था ही नहीं ना उसमें. ले था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में इंडेंट है मैम. यस इंडेंट मेरा भी गलत हुआ था, मेरे को लगा नहीं होगा इंडेंट. है ठीक है. ओके, तो प्रणय का भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है. सिमरन प्रेजेंट है बेटा? सिमरन आई हो बेटा? यस मैम. यस बेटा, आपके 5 क्यों आए हैं? 5 क्वेश्चन गलत. कृति के 10 है मैम. वो जो बीच मैम जो बीच में ऑप्शन वाले थे ना, 2-3 टिक करने के बीच में, तो उसमें एक गलत कर दिया, दोनों गलत कर दिए, तो बीच में एक बीच में गलत हो गया था मेरा. दो क्वेश्चन हो गए, बाकी के 3 भी गलत हुए, फिर उसके अलावा भी 3 गलत है. कल क्लास में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं. जो नेवर गिव आंसर इन द क्लास, दैट्स व्हाई शी गॉट ओनली 4. व्हाई इकजोत? जितनी बार हमने क्लास में मैंने आपको कॉल किया, यू नेवर गिव आंसर, यू नेवर गिव रिस्पांस, एंड नाउ यू गॉट 4 मार्क्स. एक तो मेरा वो इंडेंट वाला गलत हो गया और एक मैंने दूसरा गलत कर दिया खुद ही. कौन सा गलत किया? और लक्ष्य मैम दोनों ही टिक वाले, वो एक ऑप्शन पता नहीं कैसे गलती से टिक हो गई. मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन गलत हो गए मैम. वो इंडेंट वाला तो मुझे पता नहीं था और दूसरा वाला मैंने पता नहीं कैसे गलत कर दिया, टिक लग गया होगा. ठीक है. रेनुका 7, कवरनूर 4. कवरनूर, यू वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, यू हैड रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स विद अस, स्टिल यू गॉट 4. व्हाई मैम? बिकॉज़ मैम ट्यूशन का टाइम हो गया था मैम, मैं निकल नहीं वाला था, तो मैंने ऑन करके बस जो भी मन में आया बस आंसर दे दिया. एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा. क्वेश्चन पढ़ के इतना ही जल्दी थी तो बाद में कर देते. मैंने तो रिस्पांस अभी तक भी क्लोज नहीं किए. एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन ना, क्वेश्चन रीड करके आंसर करो. ऐसे फॉर्मेलिटी थोड़ा पूरी करनी है कि हाँ फॉर्म सबमिट करना है. जब तक क्वेश्चन रीड ही नहीं करो, हाउ यू विल बी एबल टू. मैंने भी तो आके दिया है. हाँ, मैंने तो अभी तक रिस्पांस क्लोज नहीं किया. यस सर. ठीक है, ऑलवेज गिव पेपर जब भी देना तसल्ली से, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के तो दो, बुक से आंसर नहीं देखो बट क्वेश्चन तो पढ़ो. ओके मैम.
दिव्या के भी दो गलत है, नितिश के भी फाइव है. नित्या वॉज डेली प्रेजेंट बट नेवर गिव आंसर इन क्लास एंड शी ही गॉट फाइव. ठीक है, कीर्ति के 10 है. आई डोंट नो हाउ. कीर्ति आर यू प्रेजेंट हियर? नो शी इज नॉट प्रेजेंट. मैम एक फेक रिस्पांस भी है. फेक रिस्पांस भी है? आपने सारे रिस्पांस चेक कर लिए? फेक नहीं है. 90 लिस्ट खोली हुई है. बी क्लास के रिस्पॉन्सेज हैं बीच में? नहीं, मेरे रोल नंबर के नीचे. ओके, आपको लिस्ट नजर आ रही है? दैट मैम ये आंसर चेक कर रही है. ये 7 वाला रोल नंबर, ये गलत है. मैम डगडू नाम से है. हाँ हाँ मैं देख लिया, 9 थे. Okay. Otherwise, you can give answer response only once. That was the limitation. वो हमने set किया होता है कि आप एक ही बार response कर सकते हो. ठीक है? चलिए. Now let's discuss the chapter number 2. That is types of hardware. हाँ जी. What are the various types of? Yes. मैम एक बार जो चैप्टर आने वो सारा सिलेबस रिपीट कर दो जो इस पर फाइनल टर्म में मैंने लिखवाया था. वैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 and 5. Chapter number 1, 2, 3 and 5. 4 नहीं है, 5 है. Then impress का chapter है आपका. That is your chapter number 9. And Kelsey के दो chapter है. Chapter number 10 and 11. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11. ठीक है? मैम 7 chapters है इस पर. 3, 4, 5, 6, 7. हाँ जी. टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर दैट द कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ? वी नीड द इनपुट डिवाइसेस, वी नीड द आउटपुट डिवाइसेस, वी नीड द स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज योर मेमोरी, एंड देन वी नीड द प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज योर सीपीयू. सीपीयू दैट इज द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस दैट वी विल हैव. इट विल वर्क एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स ऑल द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर. नाउ मेमोरी, मेमोरी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, मेमोरी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कौन सा यूनिट है मेमोरी को करने के लिए? बाइनरी यूनिट. बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर्स इन विच द डाटा इज स्टोर्ड. बाइनरी डिजिट्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. मींस ऑफ, 1 मींस ऑन. बाइट इज द यूनिट. बिट्स एंड बाइट्स. बिट्स मींस अ सिंगल, जो आपका बिट आता है सिंगल बिट इज 0, सिंगल बिट इज 1. कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स बिकम्स 1 बाइट. ठीक है? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 8 bits. 8 bits will represent one character, one alphabet, one key from the keyboard. Either comma, question mark, space, P, zero, bracket, any symbol. All these are having 8 bits to store in computer. They will take 8 bits. 8 bits means 1 byte. So each character will be stored in the form of 1 byte. So 0 and 1 are called bits. Combination of 8 bits is called byte, and a combination of 4 bits, that means a half of the byte, that is called nibble, N-I-B-B-L-E, nibble. 1 byte equals to 8 bits and 4 bytes equals to nibble, 1 nibble. Now there are 2 code to represent the characters. One is a SCI code, that is your American standard code for information, that will take 8 bits or 1 byte to represent each character. So, main aapko bata rahi hu ki hamara 8 bits usually use hota hai. Second is universal code. It is an encoding system that represent each character as a group of 16 bits. That means single character ko store karne ke liye they will have 16 digits, 16 combination of zeros and 1 ke 16 digits use करेगा एक character को use करने के लिए. जैसे अगर A capital A store करना है, for example, तो I will have 0 0 1 0 0 1 1 0, तो इसके 8 जो digits है, 8 bits है use होंगे एक letter को store करने के लिए. But same letter जब हमने Unicode के साथ store save करना है, तो there will be 16 bits to store one character. तो representation अलग-अलग है.
A SKY code, that is American Standard Code for Information Interchange, and Unicode to represent the characters in the form of 16 bits or 2 bytes, because 1 byte equals to 8 bits. So further table is there to give you the idea of the various units. 1 byte, then 1024 bytes equals to 1 kilobyte. 1024 kilobyte, that is equal to 1 megabyte. These are the units in the increasing order. Presently, we are using terabytes. So 1024 terabytes equals to 1 petabyte. So 1 terabyte may have, we are having around 1000 GB, 1024 GB. So that means if we are having using the hard disk of 2 TB, agar mere paas 2 TB ki hard disk hai, so that means it is 2048 GB. 2048 GB is there. Okay, so if we need more, so we can have 1 exabyte, 1024 terabyte equals to 1 petabyte, then 1024 petabyte equals to 1 exabyte. Then again, we are having more 2 units aur hai hamare paas, yottabyte and zettabyte. 1024 exabyte equals to 1 yottabyte and 1024 yottabyte equals to 1 zettabyte. Okay, now there are 2 types of computer memory. One is primary memory, second is secondary memory. Primary memory, all of you know. What is a primary memory? Ye topic hum bahut baar padh chuke hain. What is primary memory? Anyone? That is a internal and inbuilt memory used to hold the instructions and data during the processing. It is temporary in nature. Temporary means because we are holding the data temporarily. It is volatile. Temporary means volatile. It is a volatile in nature because it will hold the data as much as time for as much as time for which processing is done, processing is going on. Yeah, where electricity is there. Power of data gayab, data erase. Suppose आप पेंट में कोई ड्रॉइंग बना रहे हो या एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग दैट टाइपिंग, करी जा रहे, लाइट चली जाती है आपके लैब में, कई बार लाइट चली गई, आपका जितना वर्क था दैट वॉज इन प्राइमरी मेमोरी, दैट वॉज इन रैम. तो जैसे ही पावर ऑफ हुआ, डाटा लॉस. ठीक है, तो जब तक हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव नहीं कर देते फाइल मेन्यू सेव ऑप्शन के साथ, गिव द कमांड, गिव द लोकेशन कि यहाँ पे सेव होना चाहिए, तब तक आपका डाटा प्राइमरी मेमोरी में है. आपने एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, ओपन कर ली है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में थी, मैंने ओपन कर ली, मैंने यूज कर रही हूँ, मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, फॉर्मेटिंग कर दी, कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, बट अगेन पावर ऑफ हो गई, सेव नहीं किया, तो पावर ऑफ हो गई, डाटा लॉस हो गया. डाटा लॉस, जो चेंजेस करे थे वो लॉस हो गए, जितना डाटा ऑलरेडी सेव्ड था हार्ड डिस्क में या पहले से चेंजेस करने से पहले, दैट डाटा वॉज सेव्ड ओनली. तो जो चेंजेस करे वो चेंजेस प्राइमरी मेमोरी में हो रहे थे, दैट वाज दे लॉस्ट. ठीक है, तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू डू वर्क ट्राई टू सेव द डाटा साइड बाय साइड इफ इट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज मोर ओवर यू मस्ट टेक द बैकअप ऑफ योर डाटा. नाउडेज यू आर हैविंग क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज इज देयर, यू हैव द गूगल ड्राइव, यू हैव द वन ड्राइव. ठीक है, ऑलवेज टेक द बैकअप ऑफ योर डाटा, पेन ड्राइव में ले लो, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे ले लो, नहीं तो ड्राइव्स पे ले लो. So you are having multiple options to save your data, to take the backup of your data. So primary memory is of two types. Name two types of primary memory. Two types of RAM, RAM and ROM. RAM is a temporary memory. Now ROM is a permanent memory. That is also primary memory, internal memory hai. Kyun primary memory ka part hai? Because it is inbuilt memory. Jo CPU ke andar, processor ke andar, motherboard ke andar inbuilt. मदरबोर्ड के ऊपर इन बिल्ड है रोम, बट इट विल होल्ड द डाटा परमानेंटली, बट वी कैन नॉट राइट डाटा ऑन इट, हम उसके ऊपर नहीं लिख सकते. वट एवर डाटा इट इज होल्डिंग, इट इज द डाटा विच इज रिटन प्री एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम एक ही बार डाटा दिया जाता है, एक ही बार उसमें कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन डाली जाती है. हाँ जी, वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ रोम. ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस मैम.
We were on the topic of Rome. Rome, I was telling you that it is an inbuilt memory, predefined memory hai, because in which the data is recorded at the time of manufacturing. And instructions are those, that those instructions are read by the computer at the time of startup. जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे इट विल रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रोम एंड स्टार्ट द कंप्यूटर और मेक द कंप्यूटर रेडी फॉर द यूजर सो दोज इंस्ट्रक्शंस शुड नॉट बी चेंज्ड सो दैट शुड नॉट बी चेंज्ड दैट इज व्हाई दैट इज अ परमानेंट मेमोरी फिक्स्ड मेमोरी रीड ओनली मींस फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शंस कैन बी रेड ओनली कंप्यूटर विल रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दैट मेमोरी ओनली बट वी आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग ऑन इट टू मेक चेंजेस इन इट इट इज अ परमानेंट हाँ जी रोम वाला टॉपिक क्लियर है किसी को कोई डाउट है इसमें इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर प्री डिफाइंड एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सेकंड इज रैम रैम इज ऑल्सो एन इंटरनल मेमरी विच विल होल्ड द डाटा एंड प्रोग्राम्स इट इज यूज्ड टू रीड एज वेल एज राइट वट एवर वी आर डूइंग चेंजेस दैट मीन्स वी आर राइटिंग द डाटा एंड दैट डाटा इज रिटन इन RAM and we are also reading from it same data we can read it data can be written or changed in RAM as and when required but it is a volatile memory so we have to save the data permanently by clicking on file menu save option or choosing any save option so that the data can be saved permanently on some secondary storage device secondary storage device also called auxiliary memory or external memory auxiliary memory or external memory because it is not inbuilt on motherboard motherboard ke upar inbuilt nahi hai processor ke sath attached nahi hai so it is an external memory humne cpu box ke andar hard disk ek laga ke rakhte hain hard disk is a secondary one of the secondary storage device which is used to store the data permanently but every computer needs the data we need to install the applications we need to install the operating system we need to work on the various files so whatever data we need whatever the data computer needs every time so that data should be stored in some storage device jo hame bar bar chahiye aur hamesha ke liye chahiye so that data store karne ke liye we need one at least secondary storage device which is fixed inside the cpu box so that we can store the data so we are having in our mobiles in our tablets in our laptops we are having one fixed hard disk sd card storage capacity memory mobiles lene jaate hain tab bhi hum dekhte hain ki ha isme itni storage capacity hai to jitni storage capacity di hoti hai usme se 30-40% storage capacity to already use hui hoti hai due to the operating system and due to the various applications जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास तो दैट मीन्स वी नीड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर द डाटा परमानेंटली एंड इट विल स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रैम विल स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा बट सेकेंडरी मेमोरी विल स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू स्टोर द डाटा एंड फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज इट इज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू मेमरी एंड मेनी एग्जाम्पल्स आर हार्ड डिस्क इट इज अ स्पिंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क called letters and that record and store information it is a plates round circle mein plates hoti hain ek dusre ke upar and center mein ek spindle hota hai store large amount of data as compared to other devices to jitni zyada hum hard disk ki capacity rakh sakte hain we can have see I can show you apne net pe shayad images mein dekha bhi hoga कि हार्ड डिस्क किस तरह से बनी होती है आई एम गोइंग टू शो इट हाँ जी यहाँ देखो दिस इज अ हार्ड डिस्क का इंटरनल है देयर आर प्लेटर्स प्लेट्स सर्कल में प्लेट्स हैं एंड देयर आर स्पिंडल इन द सेंटर एंड दीज आर द रीड राइट हेड्स दीज प्लेट्स रोटेट यहाँ पे देखो दिस इज यहाँ पर आपके पास प्लेटर्स हैं प्लेटर्स के सेंटर में स्पिंडल है एंड दिस इज योर रीड राइट हेड दैट विल रीड द डाटा जैसे हमारे पास प्लेट्स विल रोटेट
एंड दिस रीड राइट हेड जो है आपका दैट विल हेल्प यू टू रीड द डाटा और राइट द डाटा ऑन दिस प्लेट्स एट द वेरियस लोकेशंस. डाटा इज स्टोर्ड इन सर्कुलर फॉर्म एंड होल हार्ड डिस्क होल ऑल प्लेटर्स आर डिवाइडेड इन सर्कल्स एंड दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ट्रैक्स. दीज आर कॉल्ड ट्रैक्स. जैसे हमारे पास ये आ रहे हैं. Each platter is divided into sections. These are tracks. Tracks के अंदर जो आपके पास ये vertical lines नजर आ रही हैं, these are called sectors. ये sectors हैं. जैसे green color का sector है. Track पूरा track है round में and this individual जो आपके पास cut नजर आ रहे हैं, lines नजर आ रही हैं, these divide the tracks into various sectors. Text यहाँ पे देखो. Sectors, tracks, ठीक है, like this. Round में, red color में आपके पास पूरा track है and जो small small आपके अंदर tracks are divided into sectors. Is it visible? Can you understand this now? Man, yellow portion. Yellow is the whole platter. Red color में sectors हैं. जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि आपके पास this is the complete one platter. Hard disk is a combination of various platters and each platter is divided into tracks. Tracks are further divided into sectors. ये जो आपको blue वाला portion shaded नजर आ रहा है, this is one sector. Okay ma'am. This is one sector. ठीक है, हर track का अलग अलग एक एक sector है. ये देखो, A is track, this pink color में track है. B is sector, ये blue color में. C is a sector of a track. ये पिंक कलर में जो एक सिंगल है, ए हर एक ट्रैक का अलग अलग सेक्टर है. देन डी इज क्लस्टर. ग्रुप ऑफ ट्रैक्स और ग्रुप ऑफ सेक्टर्स इज कॉल्ड क्लस्टर. ठीक है, दिस इज वन प्लेटर एंड ईच प्लेटर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटर्स. और हार्ड डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्लेटर्स लाइक दिस. दिस आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको तीन प्लेटर्स नजर आ रहे हैं एंड ईच प्लेटर डिवाइडेड इन टू सेक्टर्स. Tracks are further divided into sectors and each sector will hold the data. Okay, next device we are having floppy disk. This is an obsolete storage device because we are not using it. Before CDs, before pen drives, we were having the floppy disk. Floppy disk pehle thi, floppy disk ke baad humare paas CDs, then DVDs, and after that we got the pen drives. Okay. Obsolete storage device stores only up to 1.44 MB or 2.88 MB of data. But nowadays, humara ek single song bhi agar hum kahe ki hum store kar sake, to floppy disk mein store nahi ho payega because storage capacity is very less. But previously when floppy disks were used, at that time we were using the data in the form of text only. We were not having graphics. Hamare paas graphics nahi the, jo zyada storage space lete hain. Only data was stored in the form of text. No colors, koi colors nahi the, black and white screens, black and white text files are there. And that will take only very small amount of data, small amount of storage space. That's why floppy disks were very useful. To take the backup of data and to carry the data from one computer to another. जैसे अभी हम pen drives use करते हैं, ठीक है, pen drive लगाओ, data copy करो, ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, friend के पास ले जाओ, घर ले जाओ, school ले आओ, ठीक है, file copy करके ले आए. Similarly, in that way we can use the floppy disk. So for floppy disk we need the floppy drive. CPU के अंदर हमारे पास floppy drives होती थी. Usually one floppy drive, जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि hard disk जब भी आपकी computer की होती है, that is signified by the C colon. Hard disk सबने देखी है. सबके laptops में hard disk के आगे हमेशा लिखा होता है local disk C drive. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Why A or B? Why not A or B? Why not A or B? A or B floppy disk के लिए reserved होती है. हाँ, वो floppy disk के लिए reserved होती है. तो वो अभी तक continue है. A and B were reserved for the floppy disk. So usually जब hard disk हमारे पास छोटी थी that time, hard disk was represented by C drive, floppy disk A and B, and then we got the CDs or DVD. So we need the CD and DVD drive. For that purpose, we were having D drive. D drive. तो when hard disk is further divided, तो C, D, E parts में divide हो गई. Next alphabet for CD और DVD drives. So
So A and B, that means we can have two floppy disk drives in our CPUs in which we can insert the floppy drive and then copy the data or read the data. Okay. After that, hard disk, C drive, and then after that, we are having the CD or DVD drive. Ab toh laptop mein CD or DVD drives bhi nahi hoti hai zyada tar because we do not need them. We need only USB drive to attach the pen drive and do the work. Okay. Okay, then we will continue with this work, with this chapter tomorrow also. Okay.